जय जिनेंद्र, स्वागत है आप सबका धार्मिक समाचारों में। मैं विनीता, आइए देखते हैं आज के समाचार। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावधारा के अंतर भारतीय संस्कृति के पितामह भगवान वाल्मीकि जी महाराज की पावन प्रगट दिवस के उपलक्ष में विशाल समारोह 29 अक्टूबर दिन वीरवार को दोपहर 2 बजे भगवान वाल्मीकि गेट दरेसी मैदान लुधियाना में आयोजित होगा। आप सबसे निवेदन है कि आप सब भी इस समारोह में सम्मिलित होकर भगवान वाल्मीकि की खुशियाँ प्राप्त करें। आज भारतीय वाल्मीकि केंद्रीय दफ्तर विखे ਭਾਵਾਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਏ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਡਾਕਟਰ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਵੈਤੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਰੂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਝੰਡੀ ਰਸਮ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਅਤੇ ਜੋਤ ਰੋਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ IAS ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਗਣ, ਦਲਿਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਦਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਜਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਨ ਰਮਾਇਣ ਅਤੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕਿ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਤਮ ਵੱਲਭ ਜੈਨ ਉਪਾਸ਼ੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਿਜੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਓਲੀ ਨਵ ਪਦੋਂ ਪਰ ਉਦਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਕਹਾ, ਧਰਮ ਤੱਤਵੋ ਮੇ ਸਬਸੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸਮਾਨਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਕੇ ਲੀਏ ਸਮਾਨਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਮ ਆਵਸ਼ਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਯੇ ਪਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਤੇ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਔਰ ਪਰਮ। ਪਰ ਅਨੰਤ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਰੰਤ, ਔਰ ਪਰਮ ਕਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਲੰਬ। ਜੋ ਸਮਯਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਹ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਤੀ ਸ਼ੀਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਤੀ ਸ਼ੀਘਰ ਮੋਕਸ਼ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਮਾਰਾ ਪਰਮ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੈਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮਯਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। कैसा सम्यक दर्शन था, वो अपने देव गुरु और धर्म के प्रति कितनी दृढ़ थी, वो कैसी अडीग थी कि अंबर परिव्राजक ने उसकी परीक्षा ली कि जब वो जा रहे थे तो परमात्मा को पूछा कि मैं जा रहा हूं, किसी को कुछ समाचार देना है क्या? तो उस समय परमात्मा ने कहा, भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि मेरी श्राविका सुलसा श्राविका को मेरा धर्म लाभ कहना। तो अंबर परिव्राजक सुनकर मन में सोचने लगा कि ये सुलसा श्राविका कैसी होगी कि जिसको स्वयं तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी धर्म लाभ बोला है, यानी वो कैसी असाधारण नारी होगी, कैसा उसका सम्यक दर्शन होगा, कैसी श्रद्धा होगी कि ये सुलसा परमात्मा के बिल में बैठी हुई है। यानी वहां पर और भी बहुत सारे लोग हैं, श्रावक है, श्राविकाएं हैं, बहुत सारे भक्त हैं, और राजगृह नगरी में कहते हैं कि परमात्मा ने सबसे ज्यादा चातुर्मास किए हैं। तो एक दो चातुर्मास भी हो जाते हैं तो कितने परिचित तो हो जाते हैं, भक्त लोग हो जाते हैं, श्रावक श्राविकाएं जानने लग जाते हैं। तो यहाँ पर तो परमात्मा ने कई चातुर्मास किए थे, तो पूरा नगर ही परमात्मा को जानता था, तीर्थंकर परमात्मा को जानता था, परिचित था। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि सुलसा को मेरा
धर्म लाभ कह देना। तो अंबर परिव्राजक रास्ते में सोचता ही रहा कि सुलसा श्राविका कैसी होगी, धर्म पर कैसी इसकी दृढ़ता होगी, उसकी तो परीक्षा करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए इसकी श्रद्धा की, परमात्मा के प्रति कैसा समर्पण भाव है, कैसी श्रद्धा है। और ऐसा करके अंबर परिव्राजक वहां नगर के बाहर ही अलग अलग रूप बनाता है, ब्रह्मा का बनाता है, विष्णु का बनाता है, सभी का अलग अलग रूप बनाकर वो बैठता है। लोग जाते हैं दर्शनों के लिए, जाते हैं कि आज हमारे नगर में स्वयं ब्रह्मा जी पधारे हैं, स्वयं विष्णु जी पधारे हैं। इस प्रकार से सब देवताओं का उन्होंने रूप लिया, रूप परावर्तन की विद्या उनको आती थी और सब लोग पूरा नगर जाता था, बच्चा बच्चा आबाल वृद्ध सब लोग जाते थे दर्शनों के लिए। खेती बिलों को लेकर किसानों द्वारा लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कहीं किसान जहां रेलवे के स्टेशन पर बैठे हैं तो कहीं पेट्रोल पंप पर। कुछ किसानों द्वारा भाजपा के आगुओं के घरों के बाहर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं किसान यूनियन उग्रहा की ओर से दूसरे दिन भी भाजपा के जिला प्रधान विनय शर्मा की कोठी के बाहर धरना दिया जा रहा है। किसानों ने कहा है कि उन्होंने रेल के ट्रैक खाली कर दिए हैं ताकि मालगाड़ियों का आना जाना जारी रहे। उन्होंने कहा किसी भी मालगाड़ी को आने जाने से नहीं रोका जाएगा। अगर मोगा की बात की जाए तो यहाँ पर मालगाड़ियाँ 3-4 आ चुकी हैं और किसी भी मालगाड़ी को रोकने की कोई शर्त नहीं रखी गई। किसानों ने कहा कि आज दिल्ली में सभी 250 किसान यूनियन की मीटिंग हो रही है और जो भी उस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा आगे की कार्रवाई उसी मुताबिक होगी। हमारी ओर से मोगा भाजपा के जिला प्रधान विनय शर्मा की कोठी के बाहर भी धरना लगाया हुआ है और ये प्रदर्शन अगले दिन भी जारी रहेगा। वहीं भाजपा के जिला प्रधान विनय शर्मा का कहना है कि उनकी कोठी के बाहर किसानों ने धरना लगाया हुआ है और उनके इस्तीफा देने से कोई हल नहीं निकलेगा। हर इंसान को हक है अपनी मांग रखने का, वह सरकार तक इनकी मांग रख सकते हैं और बैठकर शांति से इस मसले का हल निकाल सकते हैं। देखो जी, अज साडे धरने नूं इत्थे 27 दिन लगातार हो गए आ रेलवे स्टेशन ते, पर पिछले दिनों तो साडा जिहड़ा हैगा रेलवे ट्रैक बिल्कुल खाली किए हुए है। कोई भी माल गड्डी है आ जा सकती है, माल गड्डियां नूं कोई मनाही नहीं। पसेंजर गड्डियां वास्ते असीं बिल्कुल अलाउ नहीं करते, पसेंजर गड्डियां जिहड़ियां हैगियां जिन्ना चर साडे मतलब काले कानून रद्द नहीं किए जाते उन्ना चर असीं उन्हां नूं बंद रखांगे। बाकी अगली साडी जिहड़ी मीटिंग आ उह दिल्ली दे विच चली जांदी है। अज देश व्यापी अंदोलन आ जिहड़ा इहनूं होर तिखा कीता जा रिहा, उहदे वास्ते जो शाम तक साडे कोले अपडेट आऊगी वो तुहाडे नाल असीं सांझी करांगे। धरने रेलवे स्टेशन ते आया जिहड़ा कि इत्थे ना बार बार एक सरकार वल्लों प्रचारिया जांदा कि रेलवे ट्रैकां ते किसान बैठे आ, इह गल बिल्कुल गलत है। रेलवे ट्रैक खाली किए हुए है और धरने इतने हम जो मोगे की गल रही रेलवे स्टेशन के पिछे हट के धरना है और जे है टोल प्लाजे से है तो जगे परले पासे डकरू फाटक उरले पासे है तो होर मतलब जो ट्रैक बिल्कुल खाली किए गए, माल गड्डी आने जाने वास्ते कोई दिक्कत नहीं। ये तो कल का सानू पता लग्या कि सेंटर गौरमेंट वालों जबानी तौर पर हुक्म करके कि रेल गड्डिया जिहड़ियां माल गड्डिया उन्होंने पंजाब दे विचों कढ़िया गया, जदों के किसानों ने इनू बिल्कुल बंद नहीं किया गा, किसानों ने तो इनू आवाजाही नू परमिशन दिती हुई है। किसान यूनियन वाले मेरे को आए जी आए नू लोकतंत्र है, लोकशाही है, किसान यूनियन ते धरना दिता कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं गई, उन्हों का अधिकार है धरना देने का, उन्होंने मंगा कुछ इन्होंने बारे मैं पता लग गया वाकई सुन भी रहे हैं। दूसरी गल मैं सिर्फ इन्नी गल कहनी चाहना भी असं अपने स्टेट तक सेंटर तक जी गल पजाई भी है तो यदा जो हल है अल्टीमेटली वो टेबल पर बह के होना, डायलॉग्स ना होना, असं उन्होंने सत्ता पत्र दें, मैं थोड़े जरिए भी सत्ता पत्र दिना भी आओ आप गलबात करते हैं। असी बेशक मैं सरकार के नहीं गा पर बतौर मैं एक जिला प्रधान होने के नाते संगठन के भारतीय जनता पार्टी के तो मैं सत्ता पत्र दिना भी आओ असी मड्योकर की भूमिका अदा करते हैं, असी बन के मड्योकर बन के उन्होंने डायलॉग करवाने हैं, जल्द तो जल्द कोई हल लगते हैं जिन्हें जी मसला। देखो जी, कोई भी मसले का हल हो जरूरी नहीं गा भी पहली सिटिंग सारा चीज़ें हल हो जाए, डायलॉग चलते हैं एक बारी दो बारी तीन बारी जो कोई मसले का हल करना होंगे कई बार बैठना पै जाता है, जरूरी नहीं गा भी एक बार बैठे तो हल हो गया।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਛ ਸ਼ੰਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਇਲੋਗਸ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਦਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰੋਜੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਐਜ ਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪੈਸੈਂਜਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੈਂਜਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਪੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਐਜ ਅ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। तरन तारण के सिविल हॉस्पिटल में नशा छुड़वाने वाले केंद्र में ओएसटी सेंटर में कुछ अनजाने लोगों द्वारा खिड़की की ग्रिल तोड़कर अंदर दाखिल होकर 3000 के करीब नशा छुड़वाने वाली गोलियां चोरी करके फरार होने का मामला सामने आया है और चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। सीसीटीवी कैमरा में एक व्यक्ति जिसने अपने मुंह और सिर को बोरी से ढका हुआ है आज सुबह के समय अंदर दाखिल हुआ और लोहे की रॉड से अलमारी को तोड़कर नशे की गोलियां चोरी करके फरार हो गया। पत्रकारों से बात करते समय डॉक्टर अमनदीप ने बताया कि जो चोर नशे की गोलियां चोरी करके ले गया है वो दरअसल हीरोइन का नशा करने वाले लोगों को दवाई के तौर पर दी जाती है। उधर दूसरी तरफ पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषी को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ग्रिल तोड़ी गई है जेड़े कमरे में मेडिसिन नु डिस्पेंस किया जाता वा, उधरों ग्रिल तोड़ के ते बंदा अंदर वड़िया वा, तोड़ा सिर ते ही उहदे मुँह टक्या होया सी, तो वह इधरों आगे दूजे कमरे में जिहड़े विच अलमारी च दवाई पई हुंदी आ, उस अलमारी विचों 3000 दे करीब मेडिसिन चक के लै गया। ਇਹ ਬਿਪਰੇ ਨੋਰਫਿਨ ਮੈਡੀਸਨ 2 mg ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਆਇਆ ਕਿ 2 mg ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ 0.4 ਵਾਲੀ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 2 mg ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੈਕ ਹੀਰੋਇਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਗਭਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਤਾ ਆ, 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ। ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ FIR ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚਾਵਲਾ ਜੀ OSD ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 7:15 ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸੱਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਾ, ਅਤੇ 3 ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 1000 ਗੋਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 273 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 384 ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए खेती सुधार बिलों को किसान विरोधी करार देते हुए इसका विरोध करते हुए इन बिलों को रद्द कराने की मांग पर उमड़े समूह किसान जथेबंदियों द्वारा देश के सभी रिलायंस से संबंधित पेट्रोल पंपों पर पिछले लंबे समय से धरना दिया जा रहा है। किसानों के धरने का रिलायंस पंप पर जो असर पड़ रहा है, इससे संबंधित जब गुरदासपुर के बटाला के जलंधर रोड पर स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के मालिक सुनील अग्रवाल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार तथा किसानों के बीच चल रहे विवाद के कारण कारोबार प्रभावित हो रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार व किसानों के बीच चल रहा विवाद जल्द से जल्द हल होना चाहिए।
सुनील अग्रवाल ने बोलते हुए कहा कि रिलायंस एक बड़ा समूह है जो कि देश के अलावा विदेशों में भी अपना कारोबार चला रहा है। यदि रिलायंस को भारत में नुकसान होता है तो पेट्रोल को विदेश में एक्सपोर्ट कर देंगे, जिससे उनके कारोबार को कम नुकसान होगा। लेकिन किसानों द्वारा प्रतिदिन लगाए जा रहे धरने से किसान भाइयों का भी नुकसान है, क्योंकि सरकारी पेट्रोल पंप पर तेल महंगे दाम में मिलता है। ऐसे में निजी पेट्रोल पंप कम कीमतों पर पेट्रोल मुहैया करवा रहे हैं। अगर ये निजी पेट्रोल पंप बंद होते हैं तो किसानों को भी भारी नुकसान होगा, जिससे केंद्र सरकार व किसानों का विवाद जल्द से जल्द हल होना चाहिए। देखो जी, और जो लड़के पंपा से काम कर रहे थे उन्होंने नुकसान होया, तो जहाँ जो डीलर ने अपने पैसे लगाए थे बैंकों तो लैके उन्होंने नुकसान होया। ये कंपनी का या सरकार का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। देखो तेल जरा लॉकडाउन के भी पंप जी कंपनी है उन्होंने प्रोडक्शन रुकी नहीं है, उन्होंने काम चलता रहा। उन्होंने की है कि भी जे तेल इतने नहीं विकया तो उन्होंने एक्सपोर्ट कर देना, ठीक है। तो जिते तक सरकार की गल है, जे तेल इस पंप तो नहीं विकेगा तो किसी होर पंप तो विकेगा, तो सरकार ने भी टैक्स पूरी जाई जानी है। तो ये सिर्फ नुकसान सिर्फ और सिर्फ जे इतने इंपलॉइज काम करते थे, एवरेज हर पंप के 15 बंदे इस वे अनइंपलॉयड है, तो जे 80 पंप है पंजाब के रिलायंस के 1200 बंदे अनइंपलॉयड हो गए है। तो नाल जे बंद ने डीलर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने बैंक ब्याज जरा वा वो नुकसान हो रहा है। किन्नी की सेल ताड़ी हो जाती है? देखो जी, मेरे को तो बटाले ट्रेडिंग एरिया का 42-43% का मेरा ट्रेडिंग शेयर सी, तो वो इन्नी सेल सी मेरी। किसान भरावान को मैं अपील करना वा कि जो भी तुसी सरकार नाल जल्दी तो जल्दी सहमति करो, जिदे नाल कि भी जिहड़ा तुहाडा नुकसान हो रहा वा जां तुसी साडा नुकसान हो रहा वा, जल्दी जल्दी पंजाब दुबारा खुशहाल हो। पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब की मंडियों में पुख्ता इंतजाम करके लाखों दावे किए गए हैं, परंतु पूरे एशिया में दूसरे नंबर पर जानी जाती नाभा की अनाज मंडी में लिफ्टिंग न होने के कारण लाखों बोरियां मंडी में बेकार पड़ी हैं और किसान अपनी फसलें उतारने के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि वह कई घंटों से अपने धान की फसल उतारने के लिए परेशान है कि फसल को कहां उतारा जाए। दूसरी तरफ नाभा मार्केट समिति के सेक्रेटरी की तरफ से भी माना गया है कि धीमी लिफ्टिंग की रफ्तार होने के कारण परेशानी आ रही है, जिसको जल्द ही हल कर दिया जाएगा। समस्या ही बारदाने की बहुत प्रॉब्लम है, चक्या नहीं जा रहा मंडिया के विचों, ये करके लाने की सानू बहुत दिक्कत आ रही है। ट्रालिया इतने फसिया रहिंदियां ने, 24 घंटे लगते हैं ट्राली लाने नू, ते बाकी मुश्किल होर तो सानू ज्यादा वो नहीं प्रॉब्लम, मतलब बारदाने का बहुत ही बुरा हाल होया पाया। चक्कन कट्टा तो जी तकरीबन सारी मंडी भरी पी है, बाकी तुम ढेरियां वेख सकते हो कि लखा के हिसाब न पे जी, मतलब कितने लाने जगह नहीं हैगी। हूँ 6 घंटे बाद ट्राली लस्सी आई इतने, तो देखो जी की पता जी हूँ कदों चक्कन कदों नहीं जी। हाँ जी, यहाँ मिठिया गोलियां की प्रॉब्लम है हूँ हरेक नूं है। मंग तो यही करते हैं जी, बारदाना छेती चक्या जाए तो झोना भी छेती भरया जाऊगा जो जगह होगी, हूँ भरने की बहुत दिक्कत आ रही है सानू। तुम देख लो जी सारे पास गट्टे ही गट्टा पै ज़्यादातर, तो दावे तो जी सरकार कर दी रहा ने, चली जाता बस जी, थोड़ा बहुत चक्की जाते हैं नाल दी नाल, बस ऐ भी आज चक्या जाए थोड़े रश घट हो सौखा हो जाए बंदे छेती भर भराई का कम निपट जाए। मंडी च हैगा जी माल बहुत ज़्यादा पिया, लखा हिसाब से पिया, जिहड़ी समस्या हुण जिहड़ी थोड़ी जी लिफ्टिंग दी आ रही है, ये करके जिन्होंने जिमीदारा का नवा माल आना लाना बहुत औखा हो, मजदूरों को बहुत औखा है, तो उन्होंने धंका ला मार मार फिर नवा माल लाना पैंदा। सरकार नूं भी चाहिए भी जी लिफ्टिंग की है तेजी लियांदी जाए। मौसम ने क्यों साथ दिता, जो मौसम खराब हुंदा तो फिर लखा कट्टा फिर चक्कना बहुत औखा हो जाए, तो खराबी होगी तो नाल जी दुर्दशा होगी बहुत ज्यादा। कट्टे तो ज़्यादा ही पिया हो, वैसे गिनती तो है नहीं, हूँ तू पता ही है भी बहुत ज़्यादा माल भरया पाया सारी मंडी च, कितने थोनी ट्राली लाने ये हूँ 8-10 दिन तो ज़्यादा पुख्ता जन्म तो कह गल्लां हुंदियां ने, ना कि मतलब करन च कुछ होर हुंदा। मंडी दे विच अपने नाभा मार्केट कमेटी अधीन से मुख मंडी के 14 सेंटर कल तक दी 11 लाख क्विंटल आ चुके हैं, ये 7 लाख के नियर अबाउट लिफ्ट हो गए, तो लिफ्टिंग काम सही चल रहा, ठीक चल रहा। 3 लाख कुछ के हिसाब से जो कि लिफ्टिंग रही है, तो चलो थोड़ा जहा मौसम ने साथ दिता, थोड़ी पैडी कलकत आ गई, तो लिफ्टिंग सही चल रही है, तो आने दिनों होर भी वधिया हो जाएगा सारा, लिफ्टिंग प्रॉपर हुई है,
तो सारे अपने इंतजाम ने कोई किसी किस्म की कोई किसी भी कोई दिक्कत नहीं किसी किसी भी जिमदार भरा किसी आड़ती लेबर वाले किसी को कोई दिक्कत नहीं पेमेंट में सारे सेंटर सारे मंडिया के सारी पेमेंट आ रही है पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है सरकार नहीं फसल अजय आ रही है फसल अजय आई गई अपने को 60% के उपर अपने को आ गई है बाकी रही है अगले अगले दिन कुछ दिनों भी आ जाएगी तो मोस्चर ठीक आ रहा फिलहाल किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं पंजाब सरकार पूरा मंडी बोर्ड ने पूरा इंतजाम किए हुए हैं तो जिमीदार का दाना दाना चक्या जाएगा जिमीदार किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती जाएगी सर माड़ी थोड़ी जी लिफ्टिंग की प्रॉब्लम जरूर है तो नहीं लिफ्टिंग की प्रॉब्लम नहीं कह सकते तो कुछ पिछले दिनों थोड़ी जो स्पैशल लगी सी उस स्पेशल करके थोड़ी हुई है तो नहीं बिल्कुल ठीक चल रहा है। आज के समाचार बस यहीं तक, मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।